गोहाना की अनाज मंडी में पिछले 20 दिनों से धान की फसल आ रही है, लेकिन अब 1509 धान के भाव में 500 रुपए तक की कमी आने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से उनकी फसलों के भाव कम मिलते रहे तो किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें मजबूरन कर्ज लेना पड़ेगा। बता दें कि गोहाना की अनाज मंडी में लगातार धान की आवक तेज होती जा रही है। अनाज मंडी में जहां तक नजर जा रही है, वहीं मंडी धान से अट्टी पड़ी है। किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक मंडी में 1509 धान के भाव 3700 से 3800 तक मिल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे मंडी में आवक तेज होती जा रही है, वैसे वैसे मंडी में 1509 धान के भाव में कमी आती जा रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार 1509 धान के भाव में कमी आ रही है। अब बढ़िया 1509 धान के भाव मंडी में 3000 तक ही मिल रहे हैं। किसानों को उनकी फसल के कम भाव मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या भाव मिल रहा है? पहले 3500-3600 का रेट धान बिक रहा था जी, जिसमें गिल्ली भी आ रही थी, हरी भी आ रही थी। ये भाव नहीं मिल रहा, बढ़िया धान आ रहा, बढ़िया क्वालिटी का आ रहा। अब बिक रहा है 2500 से 3000 की, 600-700 की किसान बीमार पड़ने लग रही। अच्छा जी, ये बचत थी, ये भाव में टूट गई हमारे पास। कह रहे क्या बता रहे मंडी में? कोई मंडी में बता रहे ऊपर से चावल का रेट टूट गया, चावल का रेट टूटे जी। तो कोई इस तरह से नमी वगैरह, कोई बारिश का? नमी नहीं जी, कोई बारिश का नहीं। बारिश हो गई थी, वो सिस्टम ठीक हो गया था एक सप्ताह पहले। कुछ परसेंट खराब हो गई थी जिसके, उसकी तो मजबूरी थी, लेकिन ये तो धान सही है, बढ़िया है, देख लो। तो नुकसान है? नुकसान तो जी कुछ बारिश ने कर दिया, कुछ भाव ने कर दिया, दोहरी मार पड़ रही है किसान के ऊपर। तो ऊपर से जिस तरह दिवाली का तो आ रहा है, कर्ज भी ले रखा होगा, सारा सौदा ले रहे हैं जी, कर्ज भी लिए है। किसान के पास पैसा कहाँ, कर्ज ले गए फसलों का। ये क्या भाव बहुत ज्यादा आ रही है जी, और फसल नहीं, जो भाव चाह रहे थे वो भाव नहीं बिक रहे, जो इसका लागत लगी हुई है। इस बार तो बहुत घाटे में जा रहे हैं, अरे 5-7 हजार रुपये कटवाए पानी में मशीनों से, उसकी कीमत पूरी भी नहीं हो रही थी इस बार। पहले क्या भाव मिल रहा था, अब क्या भाव? पहले 3600-3700 रुपए बिक रहा था, 2800-2900 रुपए बिक रही है। तो खर्चे कैसे पूरे होंगे? खर्चे नहीं पूरे हो रहे जी, खर्चे तो बहुत घाटे में चली गए जमींदार। ऊपर से दिवाली का त्योहार है, ऊपर से त्योहार, ये तो दिवाली का वो हंसते हैं जी, हमारे गाँव में अगर दिवाली का दिवाला निकलने वाला है। तो गेट पास से लेके कोई परेशानी हो रहा है? गेट पास से वो कहते हैं कटवाओ कटवाओ, जमींदार कुछ कटवा लेते हैं, कुछ नहीं कटवाते, थिंक कर रहे हैं। बेमौसमी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, और अब उनकी फसलों के भाव कम मिलने से उनकी फसल की लागत पूरी नहीं हो रही है। ऊपर से मंडी में मीलर्स उनकी फसल में नमी बताकर कम भाव लगा रहे हैं, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं मंडी में काम करने वाले आढ़तियों ने बताया कि धान की फसल में ज्यादा नमी होने के चलते मीलर्स अभी गीला माल नहीं खरीद रहे। ऊपर से किसानों को उनके खेतों में खड़ी फसल की चिंता सता रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों की जल्द कटाई करवा कर मंडियों में ला रहे हैं। शुरू में बहुत बढ़िया भाव था, कम्बाइन के माल 33-34-35-36-37 तक बिक रहे थे एक माल पे बिल्कुल, लेकिन 3-4 दिन से मालकों से बारिश के बाद में जो माल आया वो गीला होने की वजह से भाव में भी काफ़ी मंदा रह गया, और मिलर भी कह रहे हैं चावल का कुछ ढीला है, चावल का कुछ मंदा है, इस करके भाव में भी कुछ कमी आई है। इससे जमींदार भी काफ़ी नाराज है। 500 रुपये क्विंटल का भाव में फर्क पड़ गया, 500 रुपये मंदा हो गया जी। पहले जो माल 3500-3600 रुपये कहते हैं, उनके भाव समझो 3000 रुपये के। इससे जमींदार नाराज है बिल्कुल, मायूस होकर जाता है मंडी से। गिल्ले माला हुए जी, गिल्ले माला थोड़ा फर्क भी है, वो सुखाना भी पड़ता है, सुबह कर देते हैं, शाम तक सुखाई करनी पड़े उसकी, जब वो बिक्री हो माल। बारिश की वजह से कुछ क्वालिटी में भी फर्क पड़ा है। तो बता रहे जिस तरह से एक्सपोर्ट में भी कुछ एक्सपोर्ट में भी कुछ दिक्कत आ रही है, मिल वाले बता रहे हैं भाई, जो एक्सपोर्ट की पहले जो कंडीशन थी उसमें कुछ वो जो कंडीशन नहीं रही, इस करके भी 500 रुपये का मंदा है। और भी मंदा आ सकता है? बस और तो क्या मंदा होगा जी, 3000 रुपये से तो क्या घटेगी, ये कल बिकी है 31.5-32 तक बिकी है, और तो मेरे ख्याल नहीं मंदा आएगा। अगर आ गया तो नुकसान काफ़ी बड़ा है। बहुत बड़ा नुकसान है जी, जमींदार भी काफ़ी नुकसान में हो जाएगा और आढ़ती को भी नुकसान है।
बहरहाल दोहरी मार झेल रहे किसान कम भाव में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो उनके खेतों में अभी तक बारिश का पानी खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मंडी में उनकी फसल नहीं बिकने से मंडियों में कई कई दिन गुजारने पड़ रहे हैं। अगर किसानों की धान की फसलों के अच्छे भाव नहीं मिले तो किसान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो किसानों की फसलों के अच्छे भाव दिलवाए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब की सिटी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।